हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा है निग्रिम्स का। निग्रिम्स हॉस्पिटल उसमें है, पढ़ाई भी करता है, जिसकी मेडिकल कॉलेज है। और मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हम लोग का जो कलीग है। यस मिस बेलरीन, ये मिस बेलरीन, से समथिंग टू माय ऑडियंस। Hi everyone, please do subscribe to this channel. Bye, love you. Thank you so much, Valerie. और है इसमें जो हम लोग का स्मार्टेस्ट। Hi, please subscribe to Sir's video. My name is Bari Hunlang Nongrum. So guys, let's go. We'll go to कहाँ? Nigrim's Hospital. चलो bro. ओके ओके सी सो गाइस, हम अपन अभी निकल गया है, अभी निकल रहा हूँ। हम जाएंगे निग्रिम्स फर्स्ट। निग्रिम्स के पहुँचने के बाद हम पूरा कवर करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे दूसरा दूसरा एरिया में। सो वेलकम टू न्यू शिलोंग, क्योंकि ये न्यू शिलोंग एरिया है। लेकिन क्या है, न्यू शिलोंग एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नया प्रोजेक्ट है मेघालय का, जो न्यू शिलोंग बनाने जा रहा है। सो मैं दिखाएंगे आप लोग को। चलो अब अभी निग्रिम्स पहुंचने वाला है। सो निग्रिम्स पहुंचते ही हम अंदर जाएंगे। वह बहुत बड़ा पार्क है, ऐश्वर्य पार्किंग है, पार्किंग लॉट। सो हम पहुँच गया निग्रिम्स, निग्रिम्स पहुँच गया। ये गेट है, वो अंदर में है निग्रिम्स। इसमें मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल भी है। वो बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाएंगे नज़ारा कैसा है। देखिए भाई, सोलो गाइस देखिए कितना खूबसूरत है। बारे बाप रे, बहुत खूबसूरत है। और इसका साथ में ये जो है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट लोग को लेके आता है। वो जो हम लोग फ्रंट में है, उसमें पेशेंट लोग को लेके आता है। उसमें उन लोग का भी मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जो लोग स्टूडेंट हैं निग्रिम्स का। तो गाइस हम दिखा रहा हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है। जो लोग पढ़ना है, पढ़ाई करना चाहता है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहता है, तो अप्लाई करो, अप्लाई करके इसमें पढ़ाई करो। ये नॉर्थ ईस्ट का एक सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है। शिलोंग लोकेशन शिलोंग में है, लेकिन वो न्यू शिलोंग साइड में। बहुत बड़ा गार्डन भी है और निग्रिम्स का अंदर में ही बहुत बड़ा पार्किंग लॉट भी है। देखिए देखिए गाइस, निग्रिम्स जो लोग डॉक्टर करना चाहता है इसमें अप्लाई कर सकता है। निग्रिम्स नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है मेडिकल का। तो गाइस मैं थोड़ा हम लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अंदर जाने को नहीं मिलेगा, अलाउड नहीं है अंदर जाने का, मतलब वीडियो शूट करने का। तो जितना हो सके मैंने आप लोग को दिखाएंगे हॉस्टल, मतलब जो हॉस्टल है स्टूडेंट का हॉस्टल, और प्लस मतलब कैंसर हॉस्पिटल भी है। कैंसर हॉस्पिटल किस तरह है मैं आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले इसको दिखाने के लिए आप लोग को कोशिश करता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए ये पूरा एरिया जो है ना, जो पूरा एरिया सब पार्किंग एरिया है। इतना बड़ा एरिया जो है ये पार्किंग है, सिर्फ पार्किंग का लिए इतना बड़ा एरिया है। लेकिन जो भी बीमार होता है हॉस्पिटल भी है, इसमें पेशेंट भी लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और जो इसका जो फुल फॉर्म है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, निग्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है। तो गाइस मैं अंदर आ गया, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। पार्किंग लॉट ही बहुत बड़ा है, तो पैदल करके करके थक गया मैं। आप लोग को कोशिश करूँगा जितना हो सके इतना। वो इमरजेंसी एरिया है, वो जो लेफ्ट साइड का। और इस तरफ है
जो एंट्री, चलो भाई देखता है, देखेंगे उसको कैसे। ओके, ये ओपीडी एरिया है, आप लोग देखा होगा ना कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल है। अगर मेरा नसीब में होता है इसमें पढ़ाई करने का। क्या भाई क्या करें, इतना मैं टैलेंटेड नहीं हूँ इसलिए मैं कभी नहीं मिलेंगे इसमें पढ़ाई करने, लेकिन हाँ पेशेंट होके तो आ सकता है एक बार। मैं बैक साइड को भी आप लोग को दिखाएंगे, बैक साइड जाऊंगा उसका बाद उसको भी दिखाएंगे आपको, क्या बोलता है वो जो हॉस्टल वगैरह जो स्टूडेंट लोग रहता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन। अरे बाप रे, और बना रहा है, देखिए गाइस और बना रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वो जो दिखाई दे रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है, कोई भी फॉर्म भरना चाहता है, कुछ भी हो, मतलब इंक्वायरी वगैरह करना है, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आप लोग को यहाँ पे ही आना है एडमिशन करना है तो। और ये जो है कैंसर हॉस्पिटल, ये कैंसर हॉस्पिटल लोकल ही है, कैंसर जो होता है ना हम लोकल ही है, कुछ प्रोग्राम हुआ हुआ है इसमें। यही है जो स्टूडेंट लोग का, मतलब हॉस्टल एरिया जो है, हॉस्टल एरिया है। हम लोग अभी बैक साइड में हूँ, नीरम्स हॉस्पिटल का बैक साइड में हूँ, तो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं हॉस्टल। बहुत बड़ा एरिया है, मैं मतलब किसी किसी एरिया में जाने को नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें अलाउड नहीं है, सब हॉस्टल एरिया है और इसका सब रेसिडेंट एरिया है। ये बैक साइड का है, बैक साइड है हॉस्पिटल का। सो गाइस, मैं जितना हो सकता है उतना आप लोग को दिखा दिया है। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाना है, यहाँ से हम लोग जाएंगे और एक हॉस्पिटल दिखाएंगे आपको, निया जो आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है, उसमें भी बैचलर कोर्स है आयुर्वेदिक का, आप लोग पढ़ाई करने के लिए आ सकता है। अभी हम लोग निकल गया, से गेट के तरफ आ गया, यहाँ से निकलेंगे जाएंगे। लेकिन निया हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ रास्ता से हम आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। चलो ओके, सो हम निकल गया न्यू ड्रीम से। वो ये बिल्डिंग जो है ना आप लोग को दिखाया था कैंसर हॉस्पिटल, वही है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, CIB, अच्छा वही है निया, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये निया हॉस्पिटल है, निया हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक का जो पढ़ाई करता है इसमें आयुर्वेदिक का। ये भी बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, आप लोग इसमें भी पढ़ाई कर सकता है। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट का। तो अभी वो घर दिखाई दे रहा है ना ऊपर में ग्रीन कलर वाला, ये जो है वो नया असेंबली हाउस है मेघालय का। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे नीफ में, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। सो हम लोग निकल रहा है, मेरा दोस्त है। जो दिखाई दे रहा है ना ये सब नीफ का है, ये सब नीफ एरिया है। अभी मिल गया, ये है गेट नीफ का।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ये निफ्ट एरिया है भाई। जो लोग फैशन डिज़ाइन करना चाहते हैं ना, वो लोग आ सकते हैं आराम से, इसमें पढ़ाई करो, आ जाओ। और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ना बिल्डिंग, ये है टेक्नोलॉजी, शिलोंग का टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें साथ में बैंक वगैरह भी है। और ये क्या था, ये क्या है पता नहीं भाई, देखेंगे सामने जाके। कुछ तो है शायद, मैंने देखा है कि एच डी एफ सी बैंक वगैरह देखा है। तो भैया चलो, ये लेफ्ट साइड जो है ना निफ्ट, और ये जो रास्ता जा गया ना वो IIM का, IIM में गया है वो रास्ता, वो जो पहाड़ है उसमें ही है IIM। लेकिन आज दिखा नहीं पाएंगे दोस्त आप लोग को, क्योंकि बारिश होने वाला है। हम वापस जाएंगे, वो जो हम मैंने जो पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा है, वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, वो मतलब IIM में जाता है। चलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। रास्ता से वापस आ गया है इसको हम, ओ जो दिखाई दे रहे ना बिल्डिंग ग्रीन करके ऊपर में, वही है IIM। ये बिल्डिंग नहीं, उसका पीछे जो था वो, ओके जस्ट शो दैट IIM लिटिल बिट। ओ इट्स सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगा है। सो हम लोग पूरा घूम चुका हूँ, जितना दिखाना मतलब कवर करना था मैं कवर कर चुका हूँ वो जगह। मतलब मैं निग्रिम्स का एरिया में हूँ, और यहाँ से हम अभी वापस ऑफिस आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करने ना भूलिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोग के लिए भाई, जो मुझे हेल्प करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आप लोग को मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा साथ बने रहिए, बाय बाय।